शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जहां झोपड़ी में स्कूल है। आजादी के 70 साल बाद भी शिक्षा की ऐसी तस्वीरें, क्या राजनीतिक रसूख से ही बच्चे यहां पढ़ेंगे या यह तय होगा? अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ विकासखंड के जम्बूखेड़ा गांव के आधे बासिंदों को 2009 से अपने ही सरपंच की दबंगई का सामना करना पड़ रहा है। इस फलिया मोहल्ले से सरपंची चुनाव से वोट न मिलने का बदला सरपंच ने इस मोहल्ले यानी बसाहट के लिए आवंटित स्कूल को कागज पर तो यही बनवा दिया, लेकिन हकीकत में यहाँ के बच्चे एक झोपड़ी के अंदर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। देखिए खास रिपोर्ट, तस्वीरों को देखिए। आजादी के 70 साल बाद या दशकों में आप देख रहे हैं इसका तेजी से स्वर्णिम करती है। तस्वीरों में बच्चे झोपड़ी के अंदर पढ़ाई करते दिखाई दे रहे हैं, पास ही एक शौचालय भी आप देख रहे हैं। यह तस्वीर है अलीराजपुर जिले के जम्बूखेड़ा गांव के तालाब फलिया मोहल्ला की है और यह तस्वीर दरअसल पंचायत चुनावों के परिणामों की देन है। कौन सिंह को वोट नहीं मिले तो उसने इस फलिया के लिए आवंटित स्कूल भवन को कागज पर ही यही बना दिया। दरअसल आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले में आदिवासी गांव की फलिये काफी दूरी पर होती है, कई किलोमीटर तक एक गांव के दूसरा फलिया होता है। जम्बूखेड़ा गांव के तालाब फलिया की दिक्कत यह है कि एक तरफ मोद सागर डैम है और दूसरी तरफ डैम में ऐसे बच्चे पढ़ने के लिए दूसरे फलिया में नहीं जा सकते। स्कूल आवंटित कर दिया और उसके बाकायदा डाइस बोर्ड भी आवंटित कर दिया, मगर हकीकत में सरपंच का बदला जारी है और स्कूल यहाँ नहीं बना। नतीजा बच्चे झोपड़ी में एक अतिथि शिक्षक के सहारे पढ़ने को मजबूर है। इस संबंध में ग्रामीणों का आरोप है कि बीते कई सालों में वे सीएम हेल्पलाइन में लेकर कलेक्टर की जन सुनवाई तक फरियाद लगा चुके हैं, मगर सरपंच के रसूख के आगे प्रशासन समर्पण कर चुका है। नतीजा ग्रामीणों की शिकायतों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिम्मेदार मैदानी अधिकारियों में से कोई अपने को नया बताते हुए मीडिया के जरिए मामला संज्ञान में लाए जाने की बात कर रहे हैं। आजादी के 70 साल बाद शिक्षा की ऐसी तस्वीरें संसार कर देने वाली हैं। विडंबना यह है कि जिम्मेदार तंत्र एक सरपंच के आगे नतमस्तक खड़ा है और देश के भावी नागरिक पढ़ने को बेताब है या नौनिहाल बदहाली के बीच पढ़ने को मजबूर है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि राजनीतिक रसूख से ही बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, क्या यह तय होगा? चैनल इंडिया लाइव की प्रशासन से अपील है कि वो इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लें और कड़ी से कड़ी उचित कार्रवाई करें। वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है, कहीं जाइएगा वहां देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता चैनल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता चैनल इंडिया लाइव। अब रुक करते हैं खबरों की ओर, शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जहां झोपड़ी में स्कूल है। आजादी के 70 साल बाद भी शिक्षा की ऐसी तस्वीरें, क्या राजनीतिक रसूख से ही बच्चे यहां पढ़ेंगे यह तय होगा? नमस्कार, मैं हूं बीच पाली राजोजना के उदयगढ़ विकासखंड के उस पार